आपने कहावत सुनी होगी, आसमान से गिरे खजूर में अटके। गुजरात के वडोदरा में लोगों का यही हाल है। एक तो बारिश है, बाढ़ है, जिसकी वजह से वो अपने घरों में बंद हैं। वहीं घरों में मगरमच्छ भी दस्तक दे रहे हैं। वडोदरा शहर में एक मगरमच्छ तो घर की छत तक आ गया। एक यूनिवर्सिटी में भी मगरमच्छ देखकर लोग हैरान रह गए। इससे पहले कल दो जगह पर बगीचे में मगरमच्छ ने लोगों को डरा दिया। इस तरह वडोदरा में लोगों को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घर के बाहर पानी और बाढ़ का खतरा है, घर के भीतर तक मगरमच्छ घुस आते हैं। हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर दे दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 6 दिनों तक कहीं पर भी बारिश का रेड अलर्ट नहीं है। कल यानी 30 अगस्त को गुजरात के 33 जिलों में से केवल 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और 3 जिलों में येलो अलर्ट है। गुजरात भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। उसके दर्जन भर से ज्यादा जिलों में पानी का आपातकाल है। इसमें वडोदरा भी शामिल है। हमारे टीम, फॉरेस्ट की टीम काफी 5 दिन से वो खड़ी रही है और तुरंत सभी को कॉल आता है तो तुरंत रेस्क्यू कर दिया है। अभी आज तक हमारे पास 10 क्रोकोडाइल हमने रेस्क्यू किया है, इसमें से 2 रिलीज किया है और 8 हमारे पास अभी है। तो हम जो बाढ़ कम आएगी, नदी का प्रवाह जो ज्यादा है तो थोड़ा कम होगा, बाद में हम इसको रिलीज कर देंगे। लगातार बारिश के बाद गुजरात के शहरों का बुरा हाल है, लेकिन वडोदरा में लोगों के सामने चुनौती दोहरी है। इसकी वजह है मगरमच्छ। ये वडोदरा का समा इलाका है जहां पर 10 फुट का मगरमच्छ रेस्क्यू किया गया। विश्वामित्र नदी से मगरमच्छ शहरी इलाकों में आ रहे हैं, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि ये 10 फीट लंबा मगरमच्छ एक घर की छत से पकड़ा गया। ये देखिए, इतना खतरनाक मगरमच्छ एक घर की छत पर आ गया। मगरमच्छ को देखकर इस घर में रहने वाले लोग डर गए। वडोदरा में एक तरफ लोग बारिश और बाढ़ से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ उनकी मुसीबत को ये मगरमच्छ बढ़ा रहे हैं। देश में बारिश का मौसम आते ही आमतौर पर लोग खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर के लोगों की चिंता बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये मगरमच्छ है। अब सवाल ये है कि वडोदरा की सड़कों और घरों में बारिश होते ही मगरमच्छ कहां से आ जाते हैं? इस सवाल का जवाब शहर के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्र नदी है, जिसमें सैकड़ों खूंखार मगरमच्छ पाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक विश्वामित्र नदी 300 मगरमच्छों का घर है। विश्वामित्र नदी में मगरमच्छों की अधिक संख्या होने की वजह से बाढ़ के पानी के साथ शहरों में उनके घुसाने का भी खतरा बढ़ जाता है। वडोदरा शहर के लोगों को हर साल नदी में आने वाली बाढ़ के साथ साथ इन मगरमच्छों से भी निपटना होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वडोदरा की विश्वामित्र नदी दुनिया की तीसरी ऐसी नदी है जिसमें मगरमच्छों की भरमार है, और ये नदी सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई तक मानव बस्ती के बीच से ही बहती है। इसीलिए जैसे ही विश्वामित्र नदी में बाढ़ आती है, उसका पानी शहर में घुस जाता है और कई मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। अब आपके सामने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में आए मगरमच्छ की तस्वीर है। जैसे ही लोगों को इसका पता चला तो रेस्क्यू टीम ने इसे पकड़कर वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया। 36 घंटे का वक्त हो चुका है जब विश्वामित्री नदी से पानी छोड़ा जाना बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद जो रेलवे कॉलोनी है वो पानी के अंदर जलमग्न है। आप अभी भी देख सकते हैं ऊपर की तरफ लोग अपनी बालकनी से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें जो सामग्री इंडियन आर्मी के द्वारा लेकर यहाँ पे पहुंचाई जा रही है वो उन तक भी पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी है, कई सारे लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, अलग अलग टावर में लोग इसी प्रकार से बीते 3 दिनों में कैद भी है। इंडियन आर्मी की ये जो टुकड़ी पिछले 3 दिन से वडोदरा के अंदर मौजूद है और वडोदरा में अलग अलग जगहों पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, और आप ऊपर की तरफ भी देख रहे हैं लोग एक विश्वास के साथ कहीं ना कहीं तमाम जो इंडियन आर्मी के जवान हैं उनका आश्वासन भी बढ़ा रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, क्योंकि ये वो जवान हैं जो देवदूत बनकर इन सभी लोग जो 3 दिनों से अपने घरों में कैद हैं उनको राहत सामग्रियां पहुंचाने के लिए पहुंच रहे हैं।
अब इसे मगरमच्छ का डर कहे या फिर कुछ और, लेकिन वडोदरा के निचले इलाकों में सेना को मोर्चे संभालना पड़ा है। वडोदरा का ये इलाका कई फुट पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर लोग आपको नाव पर ही दिखेंगे। वडोदरा में एक तरफ मगरमच्छों का डर है तो दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आपके सामने वडोदरा की रेलवे कॉलोनी है जहाँ बनी सोसाइटी का निचला तल पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। जब सेना के जवान यहाँ मदद लेकर पहुँचे तो जवानों का स्वागत लोगों ने ताली बजाकर किया। लगातार इसी प्रकार से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो अलग अलग इलाकों के अंदर चलाए भी जा रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं लोग अपने जो सोसाइटी हैं, जो फ्लैट हैं, उसकी जालियों पे बैठकर आवाज लगा रहे हैं कि उन तक भी पानी की जो बोतल यहाँ पे इंडियन आर्मी लेकर पहुंची है वो मदद पहुंचाई जाए। लोग अपनी बालकनी में हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई परेशान है। और लगभग एसडीआरएफ की बात अगर की जाए तो 20 टुकड़ियां एनडीआरएफ की, लगभग यहाँ पे 5 टुकड़ियां जो हैं वो वडोदरा के अंदर भेजी गई हैं। इंडियन आर्मी की भी लगभग 5 से 8 टुकड़ियां अलग अलग इलाकों के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हमारे इर्द गिर्द बोर्ड के बाहर की तरफ भी आप भारतीय सेना के जो जवान हैं उन्हें भी देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्लैट तक अब इस बोट को लेकर जाना भी एक अपने आप में चुनौती है जब लोग अपने घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वडोदरा में बचाव अभियान के लिए सेना की 3 और टुकड़ियां और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की एक एक टीम आवंटित की गई है, जिसके बाद वडोदरा में सेना की कुल 7 टीमें एनडीआरएफ की 5 और एसडीआरएफ की 6 टीमें सेवा दे रही है। वडोदरा में बारिश रुकने के बावजूद पानी का लगातार भरना और लोगों का बुनियादी चीजों के लिए तरसना प्रशासन की नाकामी की तरफ इशारा करता है, जबकि उसे पता था कि शहर में पानी भरने पर लोगों को बाढ़ के साथ साथ इन मगरमच्छों का भी सामना करना पड़ेगा। अतुल तिवारी, वडोदरा आज तक। वडोदरा के बीच से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी खतरे के निशान से कई फीट ऊपर बह रही है। नदी में आजवा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति बिगड़ी। शहर का 80% हिस्सा जलमग्न हो गया। इसके कारण शहर के सैकड़ों से अधिक हाउसिंग सोसाइटीज के 30,000 से ज्यादा लोग पिछले 60 घंटों से बिजली, पानी, दूध, दवा जैसी जरूरी चीजों के लिए तरस रहे हैं। वडोदरा में भारी बारिश और जल भराव के बाद हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये वही वडोदरा है जो देश के 100 स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए शहरों में से एक है। इसे गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। 220.33 वर्ग किलोमीटर में बसे वडोदरा की आबादी करीब 22.40 लाख है। वडोदरा नगर निगम का 2024-25 के लिए 5,558 करोड़ का बजट है, तो जिस शहर का बजट 5,500 करोड़ से ज्यादा का हो उस शहर का बारिश और बाढ़ के कारण हाल बेहाल है। गुजरात में हालात ये हैं कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। सेना लगातार हेलीकॉप्टर से लोगों को बचा रही है। जब गुजरात में सड़क पर चलना नामुमकिन हो चुका है तब वहां पर सेना देवदूत की तरह लोगों को बचा रही है। गुजरात में जब बारिश और बाढ़ की वजह से पुल टूट रहे हो, हाईवे उखड़ चुके हो, रेलवे ट्रैक बह गए हो, तब गुजरात के बाढ़ प्रभावित जिलों में सेना ही एकमात्र सहारा है। गुजरात के हालात खराब है, इसके चलते वहां पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया। आपके सामने द्वारका का कल्याणपुरा इलाका है जहाँ पर सेना ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये देखिए, सेना के हेलीकॉप्टर से पहले 2 लोगों को बचाया जाता है, इसके बाद 2 महिलाओं को भी बचाया जाता है। घरों की छतों पर फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद सेना ने फौरन सुबह 6:45 पर 4 लोगों की जिंदगी बचाई। अब आपके सामने गुजरात के पोरबंदर की तस्वीर जहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड 2 दिनों में 10 बच्चों समेत 39 लोगों को बचाया। ये देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड का जवान किस तरह से पहले रस्सी के सहारे पानी में फंसे लोगों के पास जाता है, इसके बाद दूसरी जिंदगी देने वाली इस डोकरी में एक बच्चे के साथ एक पुरुष ऊपर आता हुआ दिखता है, फिर एक महिला और एक बच्चे को भी बाढ़ से निकालकर सुरक्षित हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया जाता है। आखिर में ये जवान एक बच्चे को गोदी में लेकर ऊपर आता है।
अब पोरबंदर की ही दूसरी तस्वीर देखिए, जहां एक परिवार को समय रहते बचा लिया गया। अब आपके सामने राजकोट एक रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो है। आम लोग ही नहीं, पानी में जीने वाले मछुआरों को सेना ने समय रहते बचाया। ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आपके सामने है, जिसमें हेलीकॉप्टर के जरिए दो लोगों को मुश्किल से निकाला गया। गुजरात में बाढ़ की वजह से 24,000 लोग बेघर हो चुके हैं, वहीं 1700 लोगों को अलग अलग जगह से बाढ़ से रेस्क्यू किया गया। 12 लोग, 11 लड़कियां और एक हमारी रसोई वाले आंटी। तो हम लोग 2 दिन से ऐसे फंसे हुए थे। हमारे वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना हमारे खाने को कोई फूड था, और पानी भी बिल्कुल नहीं था। जो पीने की भी बाजू में जो होटल थी, वहाँ से हमने पानी पीने का अरेंज किया। अभी 2-3 दिन से ऐसे ही फंसे हुए हैं। अभी वो आर्मी वाला का रेस्क्यू वाला आया, तो अभी हम लोगों को रेस्क्यू किया है और सेफ जगह के हमको पहुँचा दिया है। इसी तरह का रेस्क्यू NDRF क्रिकेटर राधा यादव और उनके परिवार का भी किया। बाएं हाथ की स्पिनर राधा यादव वडोदरा में फंस गई थी। इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर मदद मांगी और NDRF ने उन्हें फौरन बचाया। राधा यादव ने अपनी पोस्ट में बचाव दल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए लिखा, हम बहुत बुरी स्थिति में फंस गए, हमें बचाने के लिए NDRF को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में NDRF के जवानों को बाढ़ वाली सड़कों पर नावों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया। अब ये तस्वीर देखिए जो गुजरात के आणंद की, जहां वन विभाग की टीम ने पानी की धारा के बीच एक अजगर को बचाया। यह अजगर पानी के पोखर में बबूल के पेड़ में फंसा हुआ था। वन विभाग की टीम ने JCB की मदद से इसे बचाया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इस तरह गुजरात में भले ही बारिश और बाढ़ से जिंदगियां खतरे में हो, लेकिन सेना और बाकी सुरक्षा एजेंसियां अपनी पूरी ताकत से अपना फर्ज निभा रही हैं। आज तक ब्यूरो। भारतीय कोस्ट गार्ड्स की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, भारतीय सेना की तरफ से चल रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार गुजरात के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि उन्हें सुबह प्रधानमंत्री ने फोन करके बाढ़ के हालात की जानकारी ली। पिछले 4 दिनों में गुजरात में भारी बरसात से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 6 मौतें आणंद में हुई हैं। दूसरे नंबर पर अहमदाबाद है। ये तस्वीरें छोटा उदयपुर की है। आप देख सकते हैं कि बर्बादी की बाढ़ में 50 साल पुराना पुल बह गया। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में बोडेली से पावी जैतपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 56 के ऊपर आप देख सकते हैं, यहां पे जो डायवर्जन बनाया गया था वो टूट गया है बाढ़ की वजह से। साथ में जो पुराना जो पुल था, 50 साल पुराना पुल था, वो भी ढह चुका है। दरअसल यहाँ पे जो भारज और औरसंग नदी के अंदर जो बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो डायवर्जन बनाया था, लेकिन वो डायवर्जन भी पानी के तेज प्रवाह के अंदर टूट चुका है। यहाँ पे लोगों की आवाजाही अब बंद हो चुकी है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनको यहाँ से अगर जाना है तो उनको यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जो पूरा ट्राइबल एरिया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2.25 करोड़ की लागत से ये डायवर्जन जो बनाया था प्रशासन ने, लेकिन पानी के तेज प्रवाह के अंदर वो बह गया है। गुजरात की बारिश में पुराने पुल ही नहीं बह रहे, एयरपोर्ट की दीवारें भी टूट रही हैं। राजकोट में भारी बारिश की वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे के करीब की दीवार टूट गई। 1240 करोड़ रुपए की लागत से बने नए एयरपोर्ट पर, जहां से फ्लाइट उड़ान भरती है, उस रनवे के बॉर्डर के पास 15 फीट की दीवार ध्वस्त हो जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। दीवार सोमवार को भारी बारिश की वजह से ध्वस्त हो गई, जिसके बाद इस एयरपोर्ट के निर्माण कार्य पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एयरपोर्ट की कैनोपी टूटने की घटना सामने आई थी। गुजरात में राजकोट उन जिलों में शामिल है जहां भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से यहां पर लगातार 4th दिन स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं बड़े पैमाने पर बाढ़ की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। गुजरात के राजकोट में लगातार बारिश के चलते कुदरत का कहर देखने मिला। हम यहां पर ऐसी राहत कैंप, यानी कि एक रिलीफ कैंप में मौजूद है, आर्यभट्टा प्राथमिक शाला में, और हम बात करेंगे कुछ लोगों से और कॉपरेटर से भी। यहाँ पर जैसे ये एक रूम है, तकरीबन 350 से 400 लोग यहाँ पर जंगलापुरा के और जो आसपास के इलाके हैं, एकता नगर के काफ़ी लोगों को यहाँ पर रिलोकेट किया गया, क्योंकि लोगों के घर भी बह गए हैं, काफ़ी चीज़ों का और सामान का नुकसान भी हो गया है। राजकोट में बारिश के बाद तबाही का मंजर, घरों में पानी घुस चुका है। राजकोट की बात करें तो पिछले 3 दिनों में 25 इंच जितनी बारिश हो चुकी है, और लगातार भयंकर बारिश अभी भी जारी है। 29 अगस्त तक
बारिश का भारी अलर्ट है वो दिया गया है और अभी भी भारी बारिश है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई जगहों पर पानी भरने की जो समस्या है वो सामने आ रही है। नदी किनारे के जो विस्तार है वहां पर लोगों के घरों में भी पानी है वो घुस गए हैं। आजी नदी ओवरफ्लो हो चुकी है। गुजरात में अधिकतर जिले बाढ़ की चपेट में हैं, इसीलिए क्या मोरबी, क्या पाटन, क्या बनासकांठा और क्या महिसागर, सभी जिलों में एक जैसी तबाही मची है। कहीं पुल का हिस्सा ढह गया, कहीं सड़कें ध्वस्त हो गईं, कई इलाके पूरी तरह कट चुके हैं। अभी तक 5 नेशनल हाईवे, 2 NHAI, 66 स्टेट हाईवे, 92 अन्य सड़कें, 774 पंचायत सड़कें मिलाकर कुल 939 रास्ते बंद, आज तक भी रुके।